सतगुरु दे अगे ना कोई झूठ बोल सकता है और ना ही झूठ छुपा सकता है और ना ही झूठ नूं साबित कर सकता है, सिर्फ सच ही बोलूगा। जिस तरह आपा कोर्ट कचहरी दे विच फैसले हुंदे आपा गीता नूं हथ रख के बोलते हैं कि जो बोलूँगी मैं सच कहूँगी, सच तो सिवाय कुछ नहीं कहूँगी। अज मैं थोनू एक ऐसी कहानी दसन जा रही हाँ कि शायद ऐसा कहानियां तुसी सावधान इंडिया दे विच ही देखिया होनगियां। एक लड़की जिस दे सिर दे उपर उहदा परिवार रोटी खा रहा है, कमाई वालों नहीं बोल रही क्योंकि उहदी मदर बीमार, उहदा बाप हैंडीकैप्ट, बजुर्ग उहदे दादा दादी, छोटे छोटे भैन भरा जिहदे सिर दे उपर सारा परिवार रोटी खा रहा है। हैंडीकैप्ट प्यो दे टेलर दी दुकान अपनी, पर किसे टाइम इनकम होनी किसे टाइम ना होनी। कुछ टाइम पहला इन्नी इनकम सी कि बहुत ज़्यादा, फिर टाइम ऐसा आया कि हौली 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 मदर दी तबीयत खराब होन करके, मतलब वो लड़की दा प्यो रेगुलर अपना काम नहीं कर पाता और उहदा काम दिन पर दिन खत्म हुंदा जा रहा सीगा। और अगर रोटी बनांदी सी उहदी मां लड़की दी ते ओ मतलब ओनू दमा सीगा, रेगुलर वो काम नहीं कर सकती सीगी, ना वो रोटी बना सकती सीगी, जिस करके उस लड़की नू ही रोटी बनान वास्ते मतलब अपनी जिम्मेवारी दे नाल पढ़दी भी सी, दसवीं च पढ़दी सीगी और पंजवीं तो लैके दसवीं तक, शायद दूसरी तीसरी तो ही लैके दसवीं तक उन्हें रज के काम किया और अपने माँ बाप और दादा दादी दी खूब सेवा की। एक दिन ऐसा आया कि दसवीं दे पेपर दिते सीगे, छुट्टियां दे दिन सीगे, वो लड़की काम कर रही सीगी अपने घर दा, सवेरे कपड़े धो रही सीगी, नाश्ता बनाया, उहदे मदर दी उस दिन तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं सीगी ते वह खुद ही सारा काम करदी सी घर दा, भांड्यां तो लैके सफाइयां तो लैके और होर जो भी छोटे मोटे कपड़ियां दा काम हो गया सारा काम करदी सी और स्कूल भी जांदी सी और अच्छे नंबरां च पास भी हुंदी सीगी और बिना ट्यूशन दे, क्योंकि उहदा बाप ट्यूशन नहीं पढ़ा सकदा सीगा, क्योंकि घर दे हालात नूं देख के वह सोच रही सी कि मैं कुछ करां और अपने माँ बाप दा सहारा बना। पर दसवीं दे पेपर देन तो बाद वह लड़की दे कितने दूर तो रिश्तेदार रिश्ता लेके आंदे है, रिश्ता भी लेके आंदे है और वह लड़की नूं भी देखते रहिंदे है। वह तुसी दसो भोले भाले माँ बाप नूं जोर जबरदस्ती नाल कह रहे कि मैं असी रिश्ता लेके जावांगे, क्योंकि उस लड़की दे प्यो ने किसी का रिश्ता करवाया सीगा किसी रिश्तेदारां दे नाल जाके और वह मन नहीं रहे सीगे। हुण ओही जिन्ना दी लड़की का रिश्ता करवाया सीगा ओही लड़की और उहदे माँ बाप उहदे भरा वास्ते रिश्ता लैन आए सीगे। लड़का उस टाइम बिल्कुल काम नहीं सी करदा, मकान उन्हां दा अपना नहीं सीगा और उन्होंने आके लड़की का हाथ मंगया और क्या कि कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दो कपड़ियां च कुड़ी भेज दो, कुड़ी तोर दो। और लड़के का दस्या कि कारोबार वधिया है, प्रॉपर्टी का काम करदा, साड़ी चंडीगढ़ दे विच, चंडीगढ़ दी फैमिली सीगी, ओह चंडीगढ़ दे विच कोठी हैगी है एक कनाल दी, ओदी सिस्टर ने जिस दा उस लड़की दे फादर ने रिश्ता कराया सी उन्हां नूं कहिंदी है, क्योंकि उन्हां नूं बिल्कुल नहीं पता सीगा कि वड्डे वड्डे शहरां दे विच की चीज़ हो सकती है। शाम चार 9 बजे दे सवेर दे आए, शाम नूं 4 बज गए, वो लड़की दा प्यो नहीं मन्निया, लड़की दी माँ नहीं मन्नी, फिर जी कहिंदे असीं रिश्ता लैके ही जावांगे ते वो जी करा के रिश्ता लै गए लड़की दा। शाम नूं जदों हाँ होई लड़के लड़की नूं पहलां दिखाया गया और इस तरह ही
शगन करता, जबरदस्ती नहीं किया, लड़के दे लड़की दे फादर ने हाँ की कि मैं इनू करना पऊगा क्योंकि मैं इस लड़की का हथ मंग के लिया सीगा। नैले ते दैला आर या पार इसनू कुछ भी कह लो, तुसी एक हथ दो ते एक दूजे हथ लो जी, रिश्ता हो गया। रिश्ते दी डेट उस तो बाद व्याह दी डेट आ गई, व्याह दी डेट बारे नहीं दस्या गया किसी नू भी कोई डेट है, अपने आप ही डेट कढ़ा ली। और लड़की अगले दिन ही उहदे फुफड़ जी उहनू अपने उत्थे लै जांदे आ, वह मोगे रहिंदे सी, उहदे फुफड़ जी वह मोगे लै जांदे आ। मोगे जाके वह लड़की बैठती है, सोचती है, उस तो बाद जी उहनू मैसेज आ जांदा कि तेरा व्याह रख्या गया और तेरी वरी लैन वास्ते तेरे फादर आ रहे है और इत्थों मोगे तो ही शॉपिंग करनी है। और लड़की का सुन के बुरा हाल हो जाता है कि एकदम शादी 7 दिनों के अंदर किवें करा सकता है कोई, करान तो बाद शादी 7 दिनों के अंदर शादी होगी। और कुड़ी बहुत खुश होंदी है भी शायद शायद मैं वड्डे शहर दे विच जाके उत्थों कुछ हैल्प हो सके, मैं अपने मम्मी डैडी दे हालातों नू देख के कुछ मैं उन्हां दी हैल्प कर सकां। पर कहानी तो बहुत ही उल्ट हो जाती है। वो लड़की इन्नी खुशी खुशी दे नाल वड्डे शहर जाती है और आके की देखती है, 2-4 दिन तो बिल्कुल ठीक रहिंदे है, उस तो बाद जी जिस तरह लड़की दे माँ बाप आंदे है उसे तरह उस लड़की दे व्याह तो बाद उहदा भरा चाचे दा मुंडा और एक दो मतलब जो मेन सीगे घर दे मैंबर वो आए मिलन वास्ते, क्योंकि आए भी 1-2 महीने वास्ते भी चलो कुड़ी नू लैके आने आ। एक बार तो देखो जी मिल के ही आते सीगे, मिलन ही आए सीगे वह एक तरह के, पर उन्होंने भी टोका टाकी करके उन्होंने दिल में यह बिठाता कि अगे तो असी आना ही नहीं है। उस तो बाद जी कुड़ी नू कहिंदे कि 2 कपड़ियां च पहला जो रिश्ते की गल हो रही सी, लड़की का फादर कहिंदा कि मेरे को पैसे हजे लाने नू मतलब है नहीं गे, कोई गल नहीं जी बस रोटियां खवा दिओ सिंपल ते व्याह कर दिंदे आ। उस तो बाद जी देखो ये गल कह के लड़की नू ये महसूस हुंदा सोहरियां दे घरे जाके बे शायद मैनू कुछ दिता नहीं हैगा। फिर उस तो बाद जी हालात ऐसे ऐसे बंदे जांदे है कि लड़की दे घरों पेकियां तो फोन आंदा, फोन आने तो बाद उहदे कोल खड़ जांदे सोहरे कि देखो लड़की नू कोई गल आपदे प्यो नू दस्ता नहीं दऊगी, और कम इन्ना करवाउंदे उस लड़की तो इन्ना कम करवाउंदे है कि वह लड़की धुप नहीं देखती, छां नहीं देखती, वह लड़की ना धुप देखती है ना छां देखती है, क्योंकि वह अगों पिछों करके आई हुंदी है कम, इस करके उन्हों कम दा गम नहीं हुंदा, गम इस चीज़ दा हुंदा है कि उहदे माँ बाप पिछे किवें रोटी खाणगे, उहदा भरा छोटा वह की करूगा जिहड़ा उसके सिर ते ही घर टिकिया पिया सी, जे वह घरे दसदी है वह माँ बाप नूं टेंशन दऊगी, सो इसे करके वह अपना टाइम कटना शुरू कर दिंदी है। फिर जी 1 साल हो जाता करवा चौथ आंदा, करवा चौथ तो बाद करवा चौथ वाले दिन उहदे पेरेंट्स आंदे आ लड़की दे, जो उन्होंने विआह शादी ते नहीं दित्ता सीगा, लड़की दी माँ बीमार सीगी और वह कहिंदी मेरी लड़की नूं कुछ दित्ता नहीं, औखी ना होवे कुछ दे के आओ। लड़की दी माँ बीमार होण करके लड़की दा प्यो वह बेचारा गरीबना ही बोलूंगी दिल दा अमीर, उसने अपनी शॉप वेची, वेच के उस लड़की नू कंगन बना के दिते और 1-2 होर भी गोल्ड दी चीज़ां दे के गए सीगे, कपड़े लैके दे के गए सीगे। फिर उस तो बाद जी उहदी सस की कहिंदी है लड़की दी कि असी तां कपड़े उहदी फैमिली 4 ननानां सी कुड़ी दियां उन्हां वास्ते कपड़े आए गए, सस सहुरे दे कपड़े आए गए, जो उन्हां च हो सकिया बन सकिया गोल्ड दी चीज़ भी दित्ती गई उस लड़की नू। लड़की बहुत खुश सी, जो करवे दा समान हुंदा मठियां हुंदियां फैनियां हुंदियां सब वो बेचारा प्यो दे के गया सारा कुछ। पर फिर भी देखो रात नू खान पीन लगे और लड़की दा सोहरा की बोलदा लड़की दे प्यो ने सारी शराब पी ली,
फिर उस पिछे कलेश हुंदा, और लड़की बोलती है कि मेरा प्यो इन्नी नहीं पी सकता सीगा, वह सिर्फ एक दो पैग पीन तो बाद डिग जांदा सीगा क्योंकि उन्हूं हजम नहीं सी हुंदी। और देखो इस तरह शहरां दे लोग लड़कियां नूं ले आंदे आ विआह के, उस तो बाद फिर उहदे नाल इह हाल करदे आ। फिर जी हौली हौली उह लड़की दी जिंदगी दे विच दो बच्चे आए, बहुत प्यारे जे बच्चे आए। उस टाइम वह लड़की की उम्र 23 साल की सीगी, 23 साल की उम्र के विच उहने दो बच्चों जन्म दिता और दो लड़कियां नूं ही दिता। घर च उस तरह ही रौला रप्पा चलता रहा, जे शाम नूं उन्होंने आउटिंग ते जाना ते बोल के जाना इस तरह करो। एक कुत्ता रख्या होया सीगा घरे उन्होंने काले रंग दा, जिसका नाम भी कालो सी, मैनू याद है हजे तक भी। फिर जी उस लड़की ने लड़की नूं उहदी सस कह के जांदी है कि एक लैटरिन चकदी, कहन लगे मैनू बहुत शर्म आ रही है इस टाइम, और घर का काम कर दी, झाड़ू ला के पोचे ला दी, जिस तरह एक मेड नूं काम दिता जांदा है, और असी जाके आने हैं। क्यों भी जे थोड़ियां लड़कियां घरे है, दो है या तीन है, वह क्यों नहीं रल के नूँ नाल काम करा सकदियां, उस लड़की नाल क्यों नहीं करा सकदियां। फिर उस तो बाद देखो जी मार्केट जाना है, शाम नूं आउटिंग ते जाना है, तो घर के फोन के उपर लॉक ला दिता जांदा है कि पिछों देखिए कितने पेरेंट्स नूं फोन ना कर लवे। अगर बाप का फोन आना शाम नूं या रात नूं भी लड़की इस टाइम फ्री है तो आले दुआले होके खड़ जाना कि देखो कितने अपने प्यो नूं कुछ गलत नहीं दस दूगी। फिर जी हौली 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 वह अपने हसबैंड नूं कुछ एक दो गल्लां दसदी है। दसन तो बाद उन्होंने हसबैंड बहुत ही ज़्यादा भड़कते अपनी फैमिली के उपर कि तुसी इस तरह क्यों किया, ये वह लड़ाई इन्नी जबरदस्त सी कि इन्होंने फैमिली वाले ने उस लड़की नूं डराता कि अज तो बाद कोई भी गल साडे लड़के तक नहीं पहुँचनी चाहिए, नहीं तो यहो जे हाल करूगा बहुत बुरा। वह लड़की सहम जाती है, दसदी नहीं बिल्कुल भी, वह अपने ननान नंदोईए नाल और सास सहुरे नाल गल करती है और सेवा खूब करती है। जिस लड़की ने माँ बाप की दादा दादी की सेवा की होवे वह पिछे नहीं हटती काम करन तो। फिर जी देखो हौली हौली लड़की के पेरेंट्स जिहड़े पेके है, वह लड़की के पेके हौली 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 उहदे विच्चों पहला तो उन्हां दी माँ बीमार हुंदी है, फिर उस तो बाद उहदे फादर बीमार हो जाते हैं, माँ मर जाती है, फादर हैंडी मतलब पैरालाइज का अटैक हो जाता है, माँ 3 साल लड़की की बैड पर पैंदी है और उहदा इलाज भी नहीं हो सकता क्योंकि प्यो हैंडीकैप्ट है। घर के हालात ऐसे है कि वह माँ लड़की की माँ 3 साल एक बैड पर पै के उन्हें विची लैटरिन विची बाथरूम और उस जगह पर रोटी। जिस टाइम वो लड़की मिलन जाती है अपनी माँ नूं तो उस टाइम की देखती है कि माँ के कमरे के विच कीड़े ही कीड़े चली जाते हैं और उस जगह पर उन्हें रोटी दिती जाती है, उस जगह पर उसकी टॉयलेट पई है, उस जगह पर वो बाथरूम कर रही है। ये दसो कि लड़की के दिल च की जाऊगा, लड़की के दिल च की जाऊगा। फिर उन्होंने उस टाइम घंटे दो घंटे बाद वापस लिया दिता जाता है कि हाँ वापस चलो, क्योंकि उस लड़की की जिहड़ी ननान सी जिहड़ी रिश्ता लैके आई सी उहदे घरे लैके जाके ठहरांदे सीगे भी अपने पेके रहूगी तो सारियां गल्लां दस ना देवे। फिर भी वह लड़की कुछ नहीं बोली, चलो कोई गल नहीं भी मेरे माँ बाप औखे होणगे, मैं नहीं दसना हैगा कुछ भी, मैनू कित्थे घरे रखणगे, इस चीज़ का उन्होंने नजायज़ फायदा चक्या। फिर हौली 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 जी जिंदगी अगे वधी गई उस लड़की की, वह इस तरह सोचे कि मैं इस दलदल चो किवें निकलां बाहर, ना मैं हसबैंड नूं दस सकदी हाँ और ना मैं अपने माँ बाप नूं दस सकदी हाँ और दसे भी किनू। फिर जी हौली 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 उस लड़की दियां ननाना नूं उस ते लड़की ते तरस आ गया। फिर उस दियां ननाना ने कहा कि साडी माँ जालिम है और उस तुहानू मार दूगी कम करवा करवा के। फिर उस तो बाद उस लड़की ने बोलना शुरू किया, फिर वह लड़की की एक ननान बहुत ही ज़्यादा चालू सीगी जिसने अपने माँ बाप की साइड लैनी शुरू करती, उन्हें पता भी सी कि गलत की हो रहा है, साइड लैनी शुरू करती। फिर जी हौली हौली वह लड़की ने आवाज़ उठाई, महिला मोर्चे की मदद लैके आवाज़ उठाई। फिर उस तो बाद जी ये सारा कारनामा सस का सीगा, सस का सीगा कारनामा हो
फिर देखो उस लड़की नू, लड़की ने बहुत मंगया कि मैनू इस दलदल चो मैं किवें निकलां, और उसने अपने गुरु अगे अरदास कीती, उच्ची उच्ची अरदास कीती। ना उन्हू लड़की नू संगत ते जान दिता गया सी, ना उन्हू मतलब घरे अजीबो गरीब काम चलते सीगे, कदे कोई बंदा आ रहा कदे कोई, वह सारिया चीज़ों का लड़की सामना करती सीगी। फिर जी गुरु की कृपा ऐसी होई कि घर का पासा ही उल्ट गया, घर का पासा ही उल्ट गया कि वह लड़की खुद ही बाहर निकल गई घरों। फिर उस तो बाद वह लड़की किसी पिंड च जाके रहन लग गई अपने हसबेंड के नाल। जिन्नी कमाई सीगी उन्ने च ही वह गुजारा करन लग गई, छोटी जी फैमिली, दो बच्चे और हसबेंड वाइफ। पेकियां नूं तां उस लड़की ने एक पासे ही छड़ता भी पहला मैं अपनी कहानी देखा, पेकियां नूं की आपदे दिल की दास्तां दसां, क्योंकि जो पेकियां नूं आन ही नहीं दिता गया, जे आंदे सी तां टेंशन लैके किन्नी देर बीमार ही रहिंदे सी उस लड़की दे पेरेंट्स। माँ तां उस लड़की दी आई नहीं सी कदे भी, और एक बार उहदी भूआ और फुफड़ जी आए सीगे, तो उस सस ने इन्ना कलेश पाया सी एक रोटी दे पिछे। उस लड़की दियां दो ननाना, एक मैरिड सीगी और मतलब छड़ी हुई सी, घरे रहिंदी सी अपने बच्चे दे नाल, और एक कुवारी सी जिसका उस लड़की दे 7 महीने बाद विआह होया। वह लड़की बहुत तेज सी जिहदे 7 महीने बाद विआह होया, पर उसने भी अपने माँ बाप की ही साइड ली। उस तो बाद जी लड़की अलग रहन लग गई किसी पिंड दे विच जाके, और वो सास सौर अलग रहन लग गए। फिर भी उन्होंने छड़िया नहीं उस लड़की नू, उन्हू ब्लैकमेल शुरू करता, उन्हू रिश्तेदारां दे सामने जलील करना शुरू करता, ये रोटी नहीं बनाती। ईवन कि वह सौरा भी बोलन लग गया, उसका भरा आया लड़की का मिलन वास्ते 14-15 साल बाद, उन्हू कहिंदा इह तां जी रोटी नहीं बना के दिंदी। फिर उसका भरा उन्हू दसदा दीदी इस तरह बोलते हैं, वह कहिंदा मैनू तो विश्वास आया नहीं, क्योंकि हर चीज़ तो जां तां मैं जुलम सह सकती सीगी, जो भी लड़की सी हो जां तां वह जुलम सह सकती सीगी, और जां फिर उन्हूं चुप कर जाना ही बेहतर सीगा। और लड़की ने अपने पिछे आवाज़ उठाई। बहुत साल बीत जाते हैं, फिर वो हसबेंड नूं बहुत वधिया अच्छा मकान मिलता है पिंड तो आके, वह फिर चंडीगढ़ के विच रहन लग जाते हैं, और अपने भी फैमिली नाल बहुत खुश होंदे। और लड़की बहुत खुश हो के अपनी सस नूं सहुरे नूं चाबी दिंदी है, लो जी थोड़े मुंडे दा मकान। वह फिर भी अपने फर्ज तो नहीं हटी, पर फिर भी उस घर दे विच जो भी पेंशन आंदी सी, कुछ भी आंदा सीगा, उस अपने नूं नूं या मुंडे नूं दिंदा सी, उह ननान तो फिर भी बर्दाश्त ना होया। फिर जी देखो हौली 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 सहुरा बीमार हो जाता है, और कुछ टाइम बाद उहदी डैथ हो जाती है। फिर जी देखो वो लड़का अपनी माँ की पेंशन, सो प्यो की पेंशन प्यो नू माँ नू लगवांदा है। फिर उस लड़किया की निगाह आ जाती है कि माँ की पेंशन दे विच्चों सानू भी कुछ दिता जाए। और लड़का जिस दे नाल वो लड़की व्याही सी, वो अपना ही गुजारा मसा करता सी, वह ये सोचता सी चलो मेरी माँ की पेंशन लग जूगी, कल नू मेरी माँ बीमार हो जाए, चल जे ज़्यादा है तो थोड़ी बहुत ही मेरी हैल्प हो जाए। पर नहीं, लड़किया की उस पर भी निगाह सीगी। हौली हौली जी उहदी माँ का कुल्ला टुट गया, और लड़की का भी हसबेंड बीमार होया, 3 साल बीमार होया, उहदे दोनों कुल्ले बदले गए करोना नालों, वेंटीलेटर तो वापस आया। फिर उस तो बाद जी 3 सालों बाद जदों वो लड़का ठीक हो गया, दूसरा ऑपरेशन भी करा लिया, फिर उस तो बाद जी वह माँ सस जिहड़ी लड़की दी सी, वह फिर भी मंजे ते पई नहीं टिकी, वह फिर भी सेवा नहीं करवा सकती सीगी। वो एक पासे नूँ तो कम करवा रही सी, और दूजे पासे लड़कियां नूँ चुगलियां दस रही सी। जिहड़ी नूँ ने एक दिन उहदे रंगे हत्थों उहनूं फड़ लिया, फोन करदे होए, फोन हमेशा रखदी सी, हर चीज़ वो सेवा करदी सी, हर चीज़ करदी सी, पर ना उहदे नाना दा फैसला की होया कि मम्मी दी पेंशन दित्ती जावे, मैं पेंशन दी कापी दित्ती जावे। और उहदे लड़की दे हसबेंड ने बोलिया कि मेरा ऑपरेशन होया, थोड़ी बहुती पेंशन मैनू भी दित्ती जावे, क्योंकि माँ हैगी है, माँ नूं रखूँगा भी, चल जे तुसी रखिया है थोड़ा बहुता खर्चा रखो, उस तो बाद थोड़ा बहुता तुसी मैनू दे दो, क्योंकि मेरे भी 2 ऑपरेशन होए, मैं भी 2 बच्चों नूं पाल रहा। पर नहीं, जिस कोले ननान कोले बच्चा वो छड़ना सीगा माँ नूं, वो माँ उन्होंने भी यही किया डिसीजन सारिया ने कि माँ की सारी पेंशन दित्ती, क्योंकि माँ मंजे ते सीगी।
उसे दी पेंशन उसे ते ही लग रही है कि की हो रहा है ना, वो लड़की नू पता है ते ना वो लड़के दे हस्बैंड नू पता है, क्योंकि पिंडां दे विच कोई इन्ने खर्चे नहीं होंदे। बहुत अच्छी पेंशन सीगी उस लड़की दे सस दे, पर उस लड़की दे लड़की अपने कर्मां नू रोंदी सी कि उहदे सस सोहरा इन्ना स्ट्रगल कराउण तों बाद भी वो अपने पोतियां वास्ते कुछ भी नहीं करके गए, ना मकान बना के गए, ना अपने बच्चे नू जॉब लगवा के गए सरकारी, क्योंकि वो लगवा सकते सीगे, और ना वो अपने बच्चों वास्ते कुछ करके गए, सिर्फ खाया और उड़ाया। आखिरकार उस लड़की और लड़की डिप्रेशन च हो जाती है कि मैं किधर जावा किधर ना जावा, रोज़ वो हसबेंड और लड़ाई होंगी है इस पिछे ही, क्यों माँ नजायज तंग करती है, करवाती भी है सेवा और नजायज तंग भी, जिथे खाना उत्थे थुकना। फिर जी लड़कियों का फैसला होंगे कि मम्मी नू भेजा जाए और असी लेके जा रहे हैं और मम्मी की कापी वगैरह सब कुछ दिती जाए, फिर वो लड़की का हसबेंड कहता है खेड़ा छुट्टिया, जो गई है खेड़ा छुट्टिया, हुण जिंदगी आपां जीने आ, तू मैनू समझे इन्हां दिनां च मैं तैनू समझे है। तो हुण वो जी लड़की बहुत ही अच्छी लाइफ जींदी है अपने हसबेंड नाल और दोनों बच्चों के नाल, और यही वो लड़की की कहानी है कि वो लड़की ने किन्ना कुछ देखिया छोटी जी उम्र तो लैके हुण तक। वो लड़की मैं हाँ, वो लड़की मैं हाँ, वो खुश होके जी फिर इस चीज़ों तो खुश होकर यूट्यूब पर भी आती है और अपनी वीडियोज़ वगैरह भी पाती और खुश भी होंगी है। वो लड़की मैं हाँ। सो तुसी इस दे विच दसना जरूर, इस वीडियो नू पूरी देखना और दसना कि एदे विच वो लड़की का की कसूर जेड़े अपने पेरेंट्स नू छड़ के आई है। सो इन्नी की मेरी कहानी है जेड़ी मैं थोनू सावधान इंडिया वांगू पेश करती तुहाडे अगे मैं, और मेरा सतगुरु कदे मेरे नाल गलत नहीं होन देगा, चाहे दिमाग मेरा कैसा भी है, मैं बहुत अच्छी हाँ, बहुत टैलेंटेड हाँ, मैं बहुत ज़्यादा सियाने प्यो दी धी हाँ, मैं मेरे प्यो नू पंचायती फैसलों के विच भेजा मतलब बुलाया जाता सीगा कि तुसी आज फैसला करके जाओ, तो उहदी लड़की की होएगी तुसी खुद सोचो। डिग्री नहीं हुंदी कि डिग्री हैगी हाथ च ते असी वकील बन गए, डिग्री नहीं हुंदी कि डिग्री दे नाल असी कोई जज बन गए, बिना डिग्री दा वकील सी मेरा प्यो, और जिसने इस लड़की दे सोहरे ने उसनू बिल्कुल ही खत्म करता उम्र तो पहला, उहदे माँ बाप छीन लिते गए, नॉर्मल लाइफ नहीं जीन दित्ती गई, उहदे कई अरमान मार दित्ते गए, और जेड़े अरमान उहदा हसबेंड अज पूरे कर रहा है, उहदा हसबेंड पूरे कर रहा अज उहदे अरमान, चाहे वह प्यो वाले है, चाहे वह सास सोहरे वाले है, और चाहे वह किसी भी हमदर्दी वाले है, उहदा हसबेंड है, उहदा हसबेंड वास्ते मतलब बहुत ही काबिले तारीफ है। सो उहदा हसबेंड भी मेरा ही हसबेंड है, वह लड़की भी मैं ही हाँ। सो दिल तो सल्यूट करती हूँ मैं अपने हसबेंड नू कि अज मेरे वो सपने पूरे कर रहा है, दिल तो सल्यूट करती हाँ, दिल तो अरदास करती हाँ अपने सतगुरु के अगे भी परमात्मा वो इन्नी लंबी उम्र करी, चाहे मेरी उम्र घटा दी वो उम्र लंबी करी, उन्हू तंदरुस्तियाँ बख्शी, क्योंकि उन्हें मैनू समझिया इस उम्र के विच मैनू समझिया आके और मेरा साथ दिता और मेरे नाल खड़ा अज की डेट के विच, कि तीसरा बंदा उहदी फैमिली भी एंटर नहीं कर सकती वो लड़की दे घर।